यहाँ पे हमारी स्टेट के बॉर्डर पर ही कस्टमर्स को रोक दिया जाता है, बाहर से किसी को आने नहीं देते यहाँ पर। वो खाम खा से यहाँ पे पासिस बनवाओ या कोरोना टेस्ट करो, बाकी किसी स्टेट के अंदर दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमारी स्टेट में दिक्कत है। इस समय हम खड़े हैं जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर। कोरोना के चलते रेलवे यातायात जहाँ ठप पड़ा है, वहीं इससे जुड़े व्यवसाय भयानक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए जेके न्यूज़ टुडे की टीम पहुंची है जम्मू रेलवे स्टेशन, जहां हमने यहां के लोगों से बात की। उनका ये कहना है, मार्च से बंद है पूरी दुकानें, अब तक तो दुकानें बंद ही है, इधर कोई है नहीं। ट्रेन एक जाती थी वो भी बंद हो गई है, पूरी दुकानें बंद पड़ी हैं। ऐसे खोल के बैठते हैं, घंटा दो घंटे बैठे फिर वापस चले जाते हैं। किराए पर दुकानें हैं, कुछ खाली हो रही हैं, कुछ किराया पेंडिंग है, कैसे बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हैं। और रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ टूरिस्ट पे सब कुछ लगता है, तो इधर कोई मतलब जब से टूरिस्ट का कोई आना जाना ही बिल्कुल बंद है। हमारे पास हमें तो प्रॉब्लम है ही है, हमारे जो मुलाजिम लोग हैं बेचारे जो काम करते थे हमारे साथ हमारे, उन्होंने बड़ी परेशानी है। हमने एक एक दो दो महीने का पे दिया, उसके बाद कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर पाए हैं आगे के, कहाँ से देंगे हम? अपना घर बार चलाना मुश्किल हो गया है। 6-7 महीने हो गए टोली घर में बैठे हैं हम लोग, कोई काम धंधा नहीं है, बच्चों के लिए भी मुश्किल हो गई है पालना, प्राइवेट काम करते हैं, कैसे गुजारा चलेगा? सिर्फ कोरोना 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 तो दिल्ली में भी है, कोरोना तो बम्बई में भी है, कोरोना तो यूपी में भी, इधर तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। ट्रेन एक चलती थी वो भी बंद हो गई, राजधानी और वो भी बंद हो गई। सोचना ये है कि ट्रेनें वगैरह चालू करो, कोई दो चार ही हैं, पब्लिक आए जाए, गरीब आए जाए, हैं ये राजधानी का किराया 2500 रुपया, गरीब आदमी कैसे जाएगा? मैं सभी को सफ़र करना पड़ रहा है। अभी काम के हालात, अभी बीएस लाइन तो बिल्कुल अभी डाउन चल रही है, टूरिस्ट लाइन तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि वो किसानों का भी चल रहा है अभी आंदोलन, उस चक्कर में ट्रेन का जो सिस्टम चल नहीं रहा। तो पहले भी 3 महीने सबने सफ़र किया, घर पर बैठे बैठे सबकी इकोनॉमिक कंडीशन सबकी ख़राब हो गई है। आप खुद देख रहे हैं, मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं कुछ। यहाँ पर एक टाइम था, आज सिंगल आदमी निकल नहीं सकता था, आज वो हालात है। आप आराम से फुल डे में क्रिकेट खेल सकते हो, आज वो हालात है यहाँ। मतलब इतने ज़्यादा परेशान है कि बयान नहीं कर सकते वो परेशानी है हम लोगों को। 7-8 महीने हो गए, इनकम इज़ टोटली ज़ीरो। गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जितना भी हमारा टूरिज्म ट्रेड है, इसको देखो आप लोग कि हाँ जी ये हम लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं, किसी भी किसी गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं, किसी भी एसोसिएशन से कोई हेल्प नहीं, कोई टूरिज्म सेक्टर से कोई नहीं आता पूछने, कोई हमारा यहाँ का जम्मू का नुमाइंदा कोई नहीं आता पूछने, हमें कोई भी नहीं आता पूछने कि आप कैसे किस तरह से जी रहे हो। कुछ नहीं बोल सकते, पता नहीं चल रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, इन फ्यूचर कुछ नहीं पता। 50-50 लाख रुपए की दुकान खरीदी हुई है, एक पैसे की इनकम नहीं है। आज से नहीं, मार्च 22 के बाद से आज 3rd of October इनकम ज़ीरो। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हो सकता है सुसाइड का नौबत ना आ जाए। यही है कि कम से कम बाकी इंडिया के साथ हम लोगों को मिला के रखो, और जैसे बाकी स्टेट्स में इस टाइम पे कोई भी टेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वैसा ही हमारे यहाँ पे भी बिहेवियर होना चाहिए, ताकि कस्टमर जो है वो आराम से हमारी स्टेट में एंटर कर सके और यहाँ पर दिक्कत ना हो। जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ट्रेन चलेगी तो उनकी जिंदगियाँ भी पटरी पर आएंगी, प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।